हमने ये वाली चीजें की थी, हमने बेसिक एडिटिंग की थी। आज ना हम देखते हैं कि थोड़ा सा अगर आपके पास क्लिप साइज चेंज हो, ठीक है, कल अगर आपको याद हो यहाँ पर एक वाला जो क्लिप था, ये वाला, इसका स्क्रीन साइज बड़ा था, ठीक है, तो हमें इस वाले शॉट में तो फील नहीं हुआ कि वो बड़ा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने इसको रिकॉर्ड ही मेट किया है, तो हमें फील नहीं हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि आपके पास कोई हॉरिजेंटल ही वीडियो आती है, ठीक है, और वो बहुत बड़े साइज की होती है, तो जब आप वो इधर लेकर आते हैं ना और अपने इसी ही सीक्वेंस में डालते हैं जो हमने 1920x1080 का बनाया है, तो वो वीडियो बड़ी जूम होती है, ठीक है। तो उसको हमने कैसे सेट करना है, या तो हम मैन्युअली उसका स्केल चेंज करेंगे, ठीक है, या तो वैसे करना है, या हमारे पास उससे एक और आसान तरीका भी है, ठीक है। तो सपोज मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं आता हूँ, ये वाले चीज़ में मैं ऐसे कर लेता हूँ, और इसका साइज है, इस पे अगर आप क्लिक करें ना तो ये आपके पास इस ही फाइल के बारे में और इन्फॉर्मेशन है, मेटा डेटा जो कल मैंने कहा था ना, तो ये इस फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी 22 सेकेंड ड्यूरेशन है, और ये वीडियो एन्फो है इसकी, इसका ये साइज ये है 2048x1080, ठीक है। तो हम इसको मैन्युअली नहीं छेड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि ये सीक्वेंस खुद ही इसको सेट करें, तो उसका बड़ा आसान तरीका है, आप इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, ठीक है, और यहाँ पर आए स्केल टू फ्रेम साइज, इस पर क्लिक करें, वो देखिए उसने अपने आप को छोटा कर दिया। अब मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि साइज तो डिफरेंट है ना, तो उसने वो ऊपर और नीचे थोड़े से ब्लैक बॉर्डर छोड़ दिए, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये अपने आप को खुद ही फिट करे, हमारा स्क्रीन भी खाली ना हो और वीडियो भी पूरी फिट हो। तो मैं इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ, तो कंट्रोल जेड करें और अंडू हो जाएगा, आप राइट क्लिक करो और सेम उसी जगह पे सेट टू फ्रेम साइज करो, पहले हमने स्केल टू फ्रेम साइज किया था, अब सेट टू फ्रेम साइज करेंगे, ठीक है। अभी भी सेम इशू आ रहा है, हमारे पास वो सेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम मैन्युअली कर लें, पहले तो इन दोनों तरीकों से ये हो जाता है, लेकिन बाज़ों का प्रॉब्लम आती है कि इन दोनों तरीकों से भी प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं होता। तो फिर आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करो, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में आए, ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने ये वीडियो, यही फाइल है और उसके कंट्रोल्स हैं, ठीक है, ये इसका पोजीशन है, अगर मुझे इस वीडियो को लेफ्ट राइट करना हो, ऊपर नीचे करना हो, तो ये हमारे पास उसकी पोजीशन है, अगर इसका मैंने स्केल कम ज्यादा करना हो, स्केल मींस साइज, तो ये हमारे पास वो स्केल है, अगर इसी वीडियो को मैंने रोटेट करना हो तो ये रोटेशन है, एंकर पॉइंट मैं समझाता हूँ कि एंकर पॉइंट क्या चीज़ है, ठीक है, और अगर इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा करना हो, ओपेसिटी समझते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, किसी वीडियो की ट्रांसपेरेंसी कम करनी हो, तो ये हमारे पास, यहाँ पर इसको ओपेसिटी बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास ओपेसिटी है। तो अभी इसके स्केल में मसला है, तो हमें ये साइड से ज्यादा तो वो नहीं है, क्योंकि वो लड़की सेंटर में ही है, तो वो हमारे लिए काफी है, लेकिन ये चीज हमें तंग कर रही है, क्योंकि ये बाकी वीडियोस में ब्लैक नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर ब्लैक आ रहा है, ठीक है। तो आपने आना है इसके स्केल में, और इसको थोड़ा सा, जैसे ये 19.93.8 है ना, मैं इसको सपोज 95 कर दूं और एंटर कर दूं, तो वो थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन काम नहीं हुआ, मैं इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ा देता हूँ, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली स्केल और जूम इन, बस वही चीज़ है, ठीक है, उस साइज का, उसका साइज बढ़ गया, ठीक है, तो इसने अपना वो एरिया जो है वो कवर कर। सपोज आपके पास वर्टिकल वीडियो आ जाती है, ठीक है, ये अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन किया, मैं आपके सामने ना एक वर्टिकल वीडियो, क्योंकि उससे ज्यादा वो हो जाएगा, मैं बार बार बोल जाता हूँ, मुझे इस आईडी से बिल्कुल भी ऑनलाइन सर्च नहीं करना होता, ठीक है, मैं इधर से आता हूँ पिक्सल्स, कुछ चीजों में ना आप लिमिटेड होते हैं, ठीक है, वो चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, ये है हमारे पास, ठीक है।
ये हमारे पास एक क्लिप है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डेस्कटॉप चंक्स मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ प्रीमियर में और यहाँ पर वही वाला चंक इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, कल मैंने आपको समझाया नहीं था कि इसको सेव कैसे करते हैं प्रोजेक्ट को, तो आप आएंगे फाइल सेव, और ये कहाँ पे सेव हो रहा है, वो प्रोजेक्ट का फोल्डर जो हमने कल बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, चंक्स में आता हूँ, ये मेरे पास फाइल है। अब मसला क्या है कि मेरे पास ये वीडियो है वर्टिकल, ठीक है, और मेरा जो फ्रेम साइज है वो है हॉरिजेंटल, ठीक है। ये कौन सा क्लिप मैंने, हाँ ये, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसका साइज तो है बहुत बड़ा, नंबर एक, अगर आप जाते हैं रिबिल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, तो एक तो इसका साइज बहुत बड़ा है, अगर आप आते हैं ना यहाँ पर, तो ये है 21/60, तो इसका मतलब इस ये हॉरिजेंटली भी इस फ्रेम से बड़ा है और वर्टिकली तो ये वैसे भी है, ठीक है। तो इस तरह के शॉर्ट्स को ना डील करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ आपने जहन लड़ाना होता है। जैसे मैंने पहले दिन कहा था ना, वीडियो एडिटिंग जो है ना, ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना बहुत ईजी है, वीडियो एडिटिंग में मुश्किल काम है आपका सेंस यूज़ करना कि कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। अब इस वीडियो में देखें, इस वीडियो में है क्या, फ्लावर्स है ना, मेरा सब्जेक्ट फ्लावर्स है, मुझे फ्लावर्स को दिखाना है। तो आपके पास दो तीन तरीके हैं, या तो आप इस पर राइट क्लिक करो और आ जाओ स्केल टू फ्रेम साइज, ठीक है, आपके फ्लावर्स बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, मसला क्या है, ये गैप है जो ब्लैक है। या तो आप इस तरह कर लो कि इसको अगर भरना हो, तो मैं इस तरह की वीडियोस के साथ कैसे करता हूँ, कभी नेशनल ज्योग्राफिक या इस तरह के वीडियोस आप देख लो ना, तो वो भी यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, इसी की एक और कॉपी ले लेते हैं। आप कॉपी किस चीज़ से लेते हैं, ऑल्ट से भी लेते हैं, ऑल्ट ऑल्ट का बटन प्रेस करें, या कंट्रोल सी कंट्रोल वी और उसको नीचे ले आए, तो इस तरह भी कॉपी ले सकते हैं। वो क्या करते हैं, मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ, मैं इस वाली वीडियो को क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि ये पूल तो मेरा साफ दिख रहा है ना, लेकिन मेरे पास ब्लैक मैंने फिल करना है, तो मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ये दूसरी वाली वीडियो का, ठीक है, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है। दो चीजें हो गई, एक तो मेरा फ्रेम भर गया, दूसरा जो मेरा फ्लावर वाला है वो मैंने प्रोमिनेंट छोड़ा और बैकग्राउंड उसका मैंने थोड़ा सा क्या करते हैं, हल्का कर दिया, तो मेरी व्यूअर की नजर अभी भी फूल पर ही पड़ेगी, बैकग्राउंड उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे तो इसका और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर वो जब हम इफेक्ट्स में जाएंगे ना, ये एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, ये आज की क्लास का हिस्सा नहीं है, तो ये मैं एक्स्ट्रा जस्ट भाई का जवाब देने के लिए, अगर मैं यहाँ से ब्लर अप्लाई कर लेता हूँ और बैकग्राउंड को मैं ब्लर कर देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे ओपेसिटी की भी कम करने की जरूरत नहीं है। ये देखें आपको वो नजर ही नहीं आ रहा, मैं और कर देता हूँ, आपको अपनी वीडियो प्रॉपर नजर आ रही है, ठीक है, और बैकग्राउंड आपका ब्लर है, एग्जैक्टली, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर इसको और भी प्रोमिनेंट करना हो, मैं सपोज ब्लर ही हटा देता हूँ, यहाँ पर एक और इफेक्ट होता है, इफेक्ट्स पे आज आपने अपना जहन वो नहीं करना, ये तो जस्ट मैं एक्स्ट्रा एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टोन होता है, मैं पीछे वाले बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूँ। अब देखो दोनों डिफरेंट नजर आ रहे हैं, मेरा अभी भी वो पूल जो है वो नजर आ रहा है। आपकी व्यूअर को क्या पसंद है, या अगर कोई क्लाइंट आपसे काम करवा रहे हैं तो वही आपको मोस्टली बताता है कि यार इसके साथ यही करो। अच्छा, अगर उसी वीडियो को ठीक करना हो ना, तो फिर आपके पास लिमिटेशंस है, फिर ये लिमिटेशंस है कि आपका सब्जेक्ट सेंटर में अगर है ना, तो आप उसको जूम करो, ठीक है। अब मुझे सपोज ये वाले जो पेटल्स है ना, मुझे यही शो करने हैं, ये वाला फूल नहीं शो करना, तो आप इसको मैनुअली ऊपर नीचे करो, ठीक है, और इस पेटल को थोड़ा सा जितना वो सेंटर, क्योंकि यहाँ पर वो कट रहे हैं ना, तो यहाँ पर इतना हो सकता है कि मेरा फ्रेम भी भर गया, कोई दूसरी वीडियो भी मुझे नहीं लगानी और वो पैटर्न मैंने प्रॉपरली शो कर, फिर ये कर सकते हो, ठीक है। मतलब हर एक चीज आप
कर भी नहीं सकते, कुछ लिमिटेशंस तो होती हैं ऑफकोर्स, एक ऐसी वीडियो और एक ऐसे फ्रेम में ऑफकोर्स वो होता है। हाँ एग्जैक्टली, फिर तो वही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जस्ट इस फ्रेम को समझाने के लिए कि इसको आप वो कर सकते हैं। वैसे जब हॉरिजेंटल होते हैं तो उनके साइजेस को आप बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ऐसी ही शेप में होते हैं, तो उनको जब आप छोटा छोटा करते हैं ना तो वो उसी फ्रेम में फिट हो जाते हैं। लेकिन जब वर्टिकल होते हैं ना फिर मसला होता है। हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में और देखेंगे ना कि अब आजकल क्लाइंट क्या डिमांड करता है, मेरे लिए यूट्यूब की वीडियो बनाओ। आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना देते हैं फुल HD में, वो आपको कहता है यार यही वीडियो ना मैंने टिकटॉक पे भी देनी है। अब आपने बनाई ऐसी है, टिकटॉक ऐसे है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोबारा शूट करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोबारा शूट करेंगे तो सेम वही चीज़ तो बनेगी नहीं, क्योंकि जो बंदा तिक्के बना रहा है, मैं भी कल उसकी तबीयत खराब हो, कल उसकी जगह कोई और लस्सी बना रहा हूँ, बंदा हो ही नहीं, तो फिर आप उसके लिए वेट करेंगे। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, ये फ्रेम साइजेस चेंज होते रहते हैं और क्लाइंट आपसे डिमांड करते हैं कि मैंने टिकटॉक भी देना है, इंस्टाग्राम पे स्क्वेयर डिज़ाइन होता है तो फिर स्क्वेयर का क्या करेंगे। ठीक है, फेसबुक का थोड़ा सा ज्यादा छोटा सा वीडियो होता है, बैनर टाइप होता है, ट्विटर का भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो फिर एक ही वीडियो को डिफरेंट साइजेस में भी कन्वर्ट करना है और जो ये फ्रेम जो उसमें जो सब्जेक्ट आप दिखा रहे हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं करना, तो उसका भी तरीका है। हम जब सीख रहे थे ना ये काम तो हम ये चीजें मैनुअली करते थे, लेकिन अब प्रीमियर के अंदर भी AI की टूल्स इतने आ गए ना कि वो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। अगर 19-20 फर्क रह जाती है तो आप मैनुअली आपके पास कंट्रोल होता है फोन्स में। एग्जैक्टली, वो कैपकट में मेरे ख्याल से काफी AI के टूल्स आए हैं। तो अच्छा अच्छा ओके सही सही, कंटेंट अवेयरनेस है उसमें। ठीक 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 अच्छा जी, अच्छा हमने सिंपल ये चीज तो कर ली, हमने इसमें एडिट भी कर लिया और क्लिप्स भी लगा दिए। अब आपको सपोज म्यूजिक की जरूरत है, ठीक है, साउंड की जरूरत है। मसला ये होता है कि आप YouTube पे सर्च करते हैं कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, Google पे सर्च करते हैं कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, वो कॉपीराइट फ्री भी होता है, वो आप डाउनलोड भी कर लेते हैं, लेकिन वही वीडियो जब आप YouTube पे अपलोड कर देते हैं ना तो कुछ अरसे बाद आप पे स्ट्राइक आ जाता है, म्यूजिक किसी का होता है, तो आप कहते हैं कि मैंने तो कॉपीराइट ही यूज किया था, फिर क्यों आया। तो कुछ चीज़ों को जहन में लेके चलें, जब भी आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करते हैं ना तो उसके थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लिया करें। ठीक है, जैसे बहुत सारे कॉपीराइट म्यूजिक जो 90% है ना यूट्यूब पे और गूगल पे जो अवेलेबल है, वो आपको कहते हैं कि भाई आप हमारा म्यूजिक यूज करो अपने प्रोजेक्ट के लिए, कमर्शियल के लिए, किसी भी चीज के लिए। लेकिन जब आप यूट्यूब पे या कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन देते हैं ना उस वीडियो के हवाले से, उसमें हमारा भी नाम लिखा करो। कोई कहता है कि हमारा भी लिंक पेस्ट किया करो, कोई कहता है नाम यूज किया करो, कोई कहता है वो हमारी कंपनी का सिर्फ वो लोगो यूज किया करो, तो फिर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम पाकिस्तानियों का मसला ये है ना कि हम चोरी भी करते हैं और फिर सीना जोरी भी करते हैं, हम कहते हैं नहीं हमने आपका ही यूज करना, नाम वाम नहीं लेना, तो फिर हमारे साथ पंगे होते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स का ख्याल रखें तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर रूल्स का ख्याल रख सकते हैं, ये ख्वारी कर सकते हैं, डिजिस्किल्स के काफी सारे वीडियोज इस तरह ब्लॉक हो गए कि हमने एनिमेशन बनाई, नीचे किसी ने म्यूजिक लगा दिए एडिटिंग में या ग्राफिक्स वालों ने, और उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया कि ये म्यूजिक मैंने कहाँ से लिया, उसकी वजह से उन पर स्ट्राइक्स आ गए। ठीक है, तो उस पर वो तो खैर गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, तो उन्होंने एक्शन ले लिया यूट्यूब से बात करके ना, वो मसला सेटल करा लिया। तो या तो ऐसे करें, अगर ऐसे नहीं कर सकते ना, आप कहते हैं कि नहीं मैं बहुत लेजी हूँ, मुझे बस म्यूजिक यूज़ करना है और मुझे कॉपीराइट शॉपीराइट और ये चीज़ें नहीं देनी, तो उसका फिर मैं आपको हल बता देता हूँ। आप आएंगे किधर गया, आप आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं बनाऊंगा मेरा यूट्यूब चैनल, आई थिंक अरे कर तो नहीं है, ओके यहाँ पर मैं आता हूँ youtube.com पे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आता हूँ
यूट्यूब स्टूडियो पे, ठीक है। अगर आपका गूगल अकाउंट है यूट्यूब पे तो ये यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन आपके पास आएगा। यूट्यूब स्टूडियो पे आप जाएं, और यहाँ पर आप आ जाएं नीचे ऑडियो लाइब्रेरी में, ठीक है। ओके, अरे मैं ही हूँ, क्यों मुझे क्यों वेरीफाई कर रहे हैं? ये क्या हो? चलो मैं इधर से आ जाता हूँ, ऐसे करना नहीं चाहिए वैसे। YouTube और मैं यहां पर आता हूँ YouTube स्टूडियो, ठीक है। YouTube स्टूडियो के अंदर आप आते हैं ऑडियो लाइब्रेरी में, और यहाँ पर आपके पास म्यूजिक्स हैं बहुत सारे, ठीक है, लाखों की तादाद में फाइल्स हैं। आप यहाँ से प्ले करेंगे, ठीक है, और आपके सामने कोई भी म्यूजिक प्ले होगा जो आपको पसंद है वो आपने लेना है और यूज करना है। यहाँ पर भी एक चीज का ख्याल रखना होता है, यहाँ पर इन्होंने दो किस्म के फाइल्स दिए, हालांकि फ्री सारे हैं, सारे यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने दो किस्म के फाइल्स दिए, ठीक है। एक वो फाइल्स हैं जिनके सामने ये यूट्यूब का आइकन बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये म्यूजिक आप यूज कर सकते हैं और किसी के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस यूज करो, आप पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। हम लोग इस चीज को देखते ही नहीं है, हम बस यहाँ पर म्यूजिक सुन के और डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ म्यूजिक्स ऐसे हैं, जैसे अगर मैं इधर आऊं, ये तीन लाइन्स ही बनी हुई है ना, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पर है एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड का मतलब वही है कि मेरे बारे में कुछ भी मत लिखो, सीधा सीधा म्यूजिक यूज करो। एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का वो सीसी वाला लोगो आ जाता है। इसका मतलब ये है ये म्यूजिक तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आर्टिस्ट इसका जो है, या यहाँ पर आते हैं ये वाला लिंक है, देखें ये वाला डेटा, ये आपने कॉपी करना है और अपना यूट्यूब पे आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, आप अपनी डिस्क्रिप्शन तो देंगे ना, बीच में कहीं पर इनका भी डिस्क्रिप्शन देना है, ये वाली चीजें उधर भी पेस्ट कर, फिर आप पे कॉपीराइट नहीं आए, ठीक है। मेरा तरीका ये होता है कि मैं इधर आता हूँ और सीधा यहाँ पर चला जाता हूँ और एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड कर लेता, ताकि मुझे वो टेंशन ही ना हो कि मैंने उनका डेटा भी कॉपी करना, और यहाँ से मैं म्यूजिक अब सर्च करूंगा कि मुझे कौन सा है। अब बिल्कुल हो सकती है, ये एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड इसलिए तो मैं समझाया है। जी 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 नो नो, अगर एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाला सेलेक्ट किया है तो फिर आप पे कोई इशू नहीं आएगा, आप मोनेटाइज करो कुछ भी करो, मेरा चैनल खुद मोनेटाइज है चल रहा है, ठीक है, और मैंने ऐसे किया है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने इनका वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाला एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड वाला भी यूज करना है और मुझ पे, और मैंने वही मोनेटाइज करना है, तो वो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मोनेटाइज करो, लेकिन मेरा वाला बस नाम रिकग्निशन मुझे भी, ठीक है, तो ये करना है आपने। तो अब हमारा हमारी जो वीडियो है वो किस चीज़ के बारे में, नेचर के बारे में, तो हमें सॉफ्ट सा म्यूजिक चाहिए, तो हम जाते हैं यहाँ पर और हमें जेनरे या मूड या कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, मैं मूड पे चला जाता हूँ, और हम ब्राइट भी यूज़ कर सकते हैं, हम फंकी भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे फंकी टाइप का म्यूजिक ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, हैप्पी इंस्पिरेशनल ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई करें तो आपके सामने ये बहुत सारे म्यूजिक्स वैसे ही आ जाते हैं। इसमें आप देख लो जो आपको पसंद होते हैं। चलो म्यूजिक सिलेक्शन ना ये अलग से एक फन है, ठीक
है, म्यूजिक आपके पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकता है, आपके पूरे प्रोजेक्ट को अप कर सकता है, ठीक है। तो म्यूजिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मैं खुद तीन तीन चार चार घंटे लगा देता, ठीक है, म्यूजिक सेलेक्ट करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे म्यूजिक को पहचान सकें, ठीक है। तो चूंकि अभी ये क्लास है, हम 3 4 घंटे तो नहीं लगा सकते, तो मैं यही वाला ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा पॉप भी है, हैप्पी भी है, इसके सामने ये डाउनलोड का बटन है। यूट्यूब स्टूडियो का मैं इसलिए ज्यादातर लोगों को कहता हूँ ना कि इसके ऑप्शन बड़े ईजी हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपीराइट का इशू नहीं है। ऑल्दो इसमें बहुत, आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे जबरदस्त म्यूजिक्स होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन 90% आपके काम सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास ये म्यूजिक आ गया और ये मैंने डाउनलोड कर लिया, और इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ यहाँ से, और ये म्यूजिक है। तो मुझे कौन सा फोल्डर बनाना चाहिए? म्यूजिक ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और म्यूजिक, नहीं वैसे तो आप चंक्स में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चंक्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सपोज आपके पास 500 क्लिप्स हैं, तो फिर 500 क्लिप्स में वो म्यूजिक ढूंढना तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, हम चंक्स में उसको काउंट कर सकते हैं, हम चंक्स में रख भी सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, तो हम चंक्स में भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चंक्स जब प्रोफेशनली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो हम फिर ये म्यूजिक को, वॉइस ओवर को, इनके भी अलग अलग फोल्डर्स कर देते हैं ताकि ईजी रहे, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एक डॉक्यूमेंट्री 3 घंटे की है और उसमें 50 टाइप्स के म्यूजिक यूज हुए हैं, तो वो उसके लिए फिर मजबूरन आपको वो करना पड़ता है अलग से फोल्डर, ठीक है। ओके, मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास म्यूजिक आ गया, अब हम जाते हैं यहाँ पर प्रीमियर में, और अगेन हम अपने प्रोजेक्ट विंडो में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप म्यूजिक का अलग से फोल्डर बनाते हैं, तो म्यूजिक, और इस पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक, और ओपन, ठीक है। मेरी एक आदत है, जब कोई बंदा गुस्सा नहीं होता ना, तो मैं उससे कहता हूँ यार तुम गुस्से में क्यों हो, तो वो कहते हैं नहीं यार फाइन, मैंने तो नहीं, थोड़ा सा तो गुस्से में हो। फिर थोड़ी देर बाद कहता हूँ, मैं उसको इतना तंग कर लेता हूँ कि वो वाकई में गुस्सा हो जाता है, ठीक। ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मैं ड्रैग करके, चूंकि ये ऑडियो है तो हम ऑडियो वाले लेयर में रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया ये म्यूजिक, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस विंडो को बड़ा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखें हमारे पास, मैं प्ले करूँ, ठीक है, जितना वो है प्लीज, नो प्रॉब्लम, मैं वैसे भी लिंक रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, वो कर दूंगा शेयर कर, ठीक है। आप म्यूजिक की वजह से तो डिस्टर्ब नहीं हुए ना? नहीं, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो नहीं, प्रॉब्लम, नहीं मैं फिर भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सारी चीजों की रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, कोई मसला। ड्रैग ही करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें समझे, अगर आपको वहां से स्क्रीन प्रॉपर नजर नहीं आ रही, इधर आ जाए, आप ग्लासेस लगाती हैं? ओके, पसंद नहीं है, अपनी आंखें जाया कर रही हो, लगाया करो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास म्यूजिक आ गया है। अब ना एक चीज का ख्याल रखो, जो भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जो वीडियो होती है ना, उसका स्टार्ट और एंड प्रॉपर किया करो। अब सपोज अगर ये म्यूजिक इतने तक है और मैं इसको कट कर देता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इतना ही चाहिए, तो मैं इसको कट कर देता हूँ और ये आगे वाले को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो देखो, एक तो ये म्यूजिक
डायरेक्टली शुरू होता है, लेकिन चूंकि म्यूजिक का स्टार्ट है तो वो इतना बुरा नहीं लग रहा। लेकिन जब ये एंड होता है ना, एकदम से खत्म हो गया। ठीक है, आप जब भी म्यूजिक का सुनते हो वो एकदम से खत्म नहीं होता, वो प्रॉपर एक बीट से खत्म होता है। तो जब आप भी इस तरह म्यूजिक लगाओ कुछ भी करो तो उसको प्रॉपरली खत्म किया करो, प्रॉपरली स्टार्ट किया करो। तो इसको प्रॉपर खत्म करने का तरीका क्या है कि हमने इस म्यूजिक को फेड आउट करना है। एग्जैक्टली ठीक है, फेड इन एंड फेड आउट। तो हमने ये प्रॉपरली फेड आउट करना है। तो यहाँ पर तरीका ये है कि अगर आप मैनुअली इफेक्ट से करते हो तो हमारे पास ये है ऑडियो इफेक्ट्स में, ऑडियो ट्रांजिशंस में, सॉरी ऑडियो ट्रांजिशन क्रॉस फेड्स। ठीक है, और यहाँ से कोई भी एक इस तरह ड्रैग करके और इधर इसके एक सिरे पे माउस लेकर आओ ना, तो ये इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा और आपने इसको छोड़ लेना है। ठीक है, अब अगर मैं प्ले करूँ प्रॉपर खत्म हो रहा है। ठीक है, इस तरह आप स्टार्ट में भी कर सकते हो, ऐसे हो। ठीक है, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, इंसान को पहले तस्वीर सुनाई दिखाई देती है या आवाज सुनाई देता है? म्यूजिक होता है। ठीक है, बड़ी तेज हो। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि साउंड विजुअल से ज्यादा तेज होता है। ठीक है, ये हो गया। अब सेम काम आपने वीडियो के साथ भी करना है, वीडियो को भी प्रॉपर फेड इन फेड आउट करना है। अच्छा, ये जो मैंने मुख्तलिफ क्लिप्स इकट्ठे किए ना और उसके नीचे म्यूजिक लगाया है, इस वीडियो ऐसे वीडियो को अपना हर एक चीज का अपना अपना नाम होता है। आपने सुना होगा ना फिल्म ट्रेलर, टीजर, प्रोमो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो अभी हम कर रहे हैं इसको हम मोन्टाज बोलते हैं। ठीक है, तो मोन्टाज में प्रॉपर स्टार्ट होना, प्रॉपर एंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर भी, वो बहुत पीछे है तुमसे, डिस्टर्ब मत हो। ठीक है, अब वीडियो ट्रांजिशन, और जो सबसे कॉमन जो ट्रांजिशन है हमारे पास वो है डिजॉल्व, वही वीडियो का फेड इन फेड आउट। ठीक है, तो मैं इस क्रॉस डिजॉल्व पे क्लिक करूंगा, ऐसे ड्रैग करूंगा, ये हमारे पास स्टार्ट में लग गया, और इसको सेम इधर से लेकर आगे यहाँ पर करूंगा। और अब अगर मैं प्ले करूं वो एक ब्लैक से हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर जी क्रॉस डिजॉल्व। ठीक है, अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ। ठीक है, कि शॉर्टकट की से कैसे करना, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अगर आपने इनको डिलीट करना हो ना, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस क्रॉस डिजॉल्व के ऊपर क्लिक करो, ये सेलेक्ट हो जाएगा, और डिलीट का बटन क्लिक करो। इस तरह ऑडियो में भी इस पर क्लिक करो, डिलीट करो। ठीक है, अगर स्टार्ट में आना हो तो इसको क्लिक करो, डिलीट करो, इसको क्लिक करो, डिलीट करो। शॉर्टकट की के थ्रू करना हो तो आपने, अगर ऑडियो में करना हो तो ऑडियो के एक सिरे पे क्लिक करें और कंट्रोल शिफ्ट डी, फेड इन लग गया। ठीक है, इस तरह दूसरे किनारे पे आ जाएं, इस पे क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट डी, फेड इन फेड आउट आपका लग गया। वीडियो के लिए सेम शॉर्टकट की है, एक चीज चेंज है, कंट्रोल डी, उसके साथ हम कंट्रोल शिफ्ट डी यूज कर रहे थे, इसके साथ कंट्रोल डी। फिर स्टार्ट में आए, कंट्रोल डी। अच्छा, ये मैं अचानक से स्टार्ट में कैसे आया, तो ये हमारे पास कीबोर्ड में होता है ना होम और एंड का बटन, तो अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो आप स्टार्ट में आएंगे, एंड पे क्लिक करेंगे तो एंड में आएंगे। ठीक है, और अगर एक एक क्लिप को करना हो तो ये जो आपके पास एरो कीज बने होते हैं इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे जाएंगे। इतनी समझ आ गई? ठीक है, आपको मैं ना असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में अपलोड करूंगा, उसमें डिटेल में होगा कि आप लोगों ने करना क्या है, लेकिन जस्ट आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने एक मोन्टाज बना। ठीक है, इतना तक समझ आ गया? ओके, चलिए भी लिखा ले। कुछ भी ले सकते हो, हाँ वो मैं ओपन, वो होता है 20 वाली है, बड़ी वाले लेकर आएंगे। ठीक है, मुझे भी तो गानी है। और दोबारा खाना, समोसा भी पड़ा है।
ओके। अगर मुझसे नहीं, कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए, अगर मुझसे कोई गलती होती है ना और मैं उसको रिमूव करता हूँ तो कंट्रोल जेड का बटन क्लिक करो तो वो हो जाएगा। ठीक है, और भी पड़े हैं, पूरी डिब्बी पड़ी है। ठीक है, अच्छा आप निकालो। एक और चीज बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा। ये जो हमारे शॉर्ट्स चल रहे हैं ना, ये वो तरीका होता है, ये जो शॉर्ट्स चल रहे हैं ना, सपोज इसमें मैं कोई सैड म्यूजिक लगा देता हूँ या इसमें मैं थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का म्यूजिक लगा, तो वो बड़ा सॉफ्ट होता है। ये म्यूजिक तो चलो फंकी सा है ना, तो हम एक क्लिप से डायरेक्ट कट करके दूसरे क्लिप पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कहता है कि यार इन विजुअल्स को सॉफ्ट करो, तो वो कैसे करेंगे? यही क्रॉस डिजोल्व का इफेक्ट है। आप इसको ड्रैग करो और इन दो क्लिप्स के बीच में लगाओ, फिर इनको ड्रैग करो, फिर इसको ड्रैग करो, सारे क्लिप्स के बीच में लगा दिया ना मैंने। अब अगर आप इसको प्ले करेंगे ना, तो ये जो इसके बीच में चेंज होगा ना, वो बड़ा सॉफ्ट होगा। ठीक है, अगर आपको इसको मजीद सॉफ्ट करना हो तो आप इस क्रॉस डिजॉल्व को या इस ट्रांजिशन को बढ़ा भी सकते हैं। आप इसके एक कॉर्नर पे आए, क्लिक करें माउस से, ये डिजॉल्व लंबा हो जाएगा। अब देखो, अब बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, आई थिंक ये काफी है, काफी है। क्या हुआ? हाँ, क्योंकि ना मुझे आइडिया है, वो 8 बज रहे हैं। आपका रिक्शा किस टाइम आता है? 8:20 पे, 30 पे। ओके, तो फिर हम कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, ऑडियो वो आपने क्या करना है, जैसे समझ आ गई ना आपको? ओके, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं अंदर चिली मिली नहीं लिख रहा हूँ, कुछ और लिख रहा हूँ। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, इसके साथ ये ऑडियो है ना, तो अगर मुझे इसको अनलिंक करना हो, मुझे ऑडियो अलग से लेनी है, तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अनलिंक कर देना है। आप वीडियो डिलीट करो, ऑडियो आपकी आ गई। ठीक है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑडियो अलग हो गई और वीडियो अलग है। अच्छा, ये वीडियो आपने बना तो ली, तो अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो भी तो सीखना है जरूरी, क्योंकि मैं असाइनमेंट दूंगा तो मैं आपसे फाइनल फाइल मांगूंगा, मैं आपसे प्रोजेक्ट नहीं मांगूंगा। तो आपने क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, और आपके कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क का बटन होता है ना, आयशा नाम है ना आपका? ओके, बहुत शरारती हूँ। ठीक है, तो हम हमारे कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क का बटन होता है ना, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क का बटन क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास एक एंड पॉइंट और एक आउट पॉइंट लग गया। ये देखें, मैं तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ब्लू सी लाइन नजर आ रही है ना, ये एंड पॉइंट है, और एंड में हमारे पास एक और ब्लू सी लाइन है, ये हमारे पास आउट पॉइंट है, और ये दरमियान वाला एरिया जो है ये ग्रे कलर का है। ठीक है, तो इस इन आउट पॉइंट के बीच में जो चीजें है ना, वो आपकी फाइनल आउटपुट में जाएगी। अगर कोई फाइल यहां पर पड़ी है, सपोज मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो देखो ये वाली चीजें जो है ये एक्सपोर्ट होंगी, लेकिन जो इन आउट पॉइंट से बाहर जो चीज है ना, ये एक्सपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, तो उसका इन पॉइंट आउट पॉइंट दोनों लगाना है। ठीक
एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि सबको सेलेक्ट करो और क्वेश्चन मार्क का बटन क्लिक करो, या तो ये कर सकते हो या मैन्युअली भी कर सकते हो। आप सपोज ये आपका स्टार्ट है, यहां पर आई का बटन क्लिक करो, आई तो एन लग गया, यहां एंड है तो यहां पर मैं ओ का बटन क्लिक कर लेता हूँ, ओ फॉर आउट। अब हमने एक्सपोर्ट करना है, और अब परसों आपने क्वेश्चन किया था कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो अपलोडिंग में टाइम लेता है, छोटी सी वीडियो होती है क्योंकि साइज ज्यादा होता है। उसका मसला ये है, उसका वो आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप उसमें प्रॉपर प्रीसेट नहीं सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कैपकट आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं देता, उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वहां पर फिर प्रीमियर इन चीजों से अलग है। तो आपने क्या करना है, इसको अगर एक्सपोर्ट करना हो प्रॉपर तरीके से, फाइल एक्सपोर्ट, ठीक है, और मीडिया, ठीक है, यहां पर आपने अपने फाइल को नाम देना है। मैं जैसे इसको नाम दे देता हूं नेचर मोन्टाज, ठीक है, ऑनलाइन कोई है स्टूडेंट, ऑनलाइन कोई आ गया कि नहीं, आई डोंट नो। अच्छा ठीक है, नेचर मोन्टाज मैंने नाम दिया, कहाँ पर सेव करना है। तो मैं तो हमेशा ऐसे करता हूँ कि जिस प्रोजेक्ट जिस फोल्डर के अंदर मेरा प्रोजेक्ट होता है ना, मैं उधर ही उसी फोल्डर में, मैं एक ही फोल्डर में छोटे छोटे फोल्डर्स बना लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप, और ये हमारे पास वो बैच वन का फोल्डर है ना, यहाँ पर मैं या तो फाइनल के नाम से बना देता हूँ फोल्डर, या कुछ इसमें मेरी फाइनल चीजें पड़ी होती हैं। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक करो, नेचर मोन्टाज का नाम ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, इसको सेव करो। ठीक है, आपका नाम हो गया, कहाँ पर सेव करना है वो हो गया। अब इम्पोर्टेंट चीज है साइज के हवाले से, कि आपकी क्वालिटी भी अच्छी रहे और साइज भी कम हो, तो यूट्यूब के अपने रूल्स हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके यूट्यूब के रूल्स पढ़ो, क्योंकि प्रीमियर में वो फैसिलिटीज हैं या आपको वो करके दे देता है। तो आप जाओ यहाँ पर प्रीसेट पे क्लिक करो, यहाँ पर नीचे हो, ये बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, बहुत सारे, इनमें से एक है YouTube 1080p फुल HD, ये YouTube के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना है, तो आपको कोई मसले भी नहीं देगा। अक्सर आप वीडियोस अपलोड करते हैं ना, तो YouTube पे जब आप देखते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी आप कहते हैं मैंने तो HD अपलोड किया है, वो दिखा भी HD रहा होता है, लेकिन अक्सर वो ब्लरी हो जाती है, अक्सर नॉइजी हो जाए, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड को आपने फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वो सेटअप आपको दिया हुआ है, तो आप YouTube प्रीसेट सेलेक्ट करो। अगर ये आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, तो आपने जाना है मोर प्रीसेट्स में, ठीक है, मोर प्रीसेट्स में, यहाँ पर ये देखिए 2K 4K बहुत सारी प्रीसेट्स हैं। यहाँ पर आपने, अगर वहां पर नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर सर्च करना है YouTube। देखो YouTube का 1080p भी है, फुल HD, 2K भी है, SD भी है, स्टैंडर्ड HD भी है, तो हम कौन से में काम कर रहे हैं, फुल HD में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे, बाकी इसमें आपने कोई चेंज नहीं करनी, क्योंकि ये YouTube ने अपने लिए सेट की है। अच्छा, इस फाइल का साइज कितना बन रहा है, ये भी आपको ये यहाँ पर शो कर रहा है, ये है 48 MB। ठीक है, ये कितने ड्यूरेशन है इसकी, आई थिंक जब आप इस तरह करते हैं ना, एन आउट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपको उस पूरी वीडियो की ड्यूरेशन भी बताते हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं, 28 सेकेंड है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट पे वापस मैं आ जाता हूँ, सब कुछ सेलेक्ट है, 28 नाम मुझे दोबारा देना पड़ेगा, यूट्यूब प्रीसेट सेलेक्ट है, और इसका साइज है 48 MB। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और साइज भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस साइज को कम करना हो, तो और किसी चीज में हाथ नहीं मारना, आपने यहां पर आना है नीचे, सबसे नीचे 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 आके ये वाले जो नंबर्स है ना, इनको आपने छेड़ना। ठीक है, मैं नहीं रिकमेंड करता कि इनको आप छेड़ो, ठीक है, लेकिन अगर आपको जरूरत है, साइज कम करना है और क्वालिटी भी थोड़ी सी बेहतरीन चाहिए, HD में ही चाहिए, तो ये आप 4.2, ये
क्योंकि इस पे हम बहुत सारे तजर्बात कर चुके हैं। तो 4.2 एक ऐसा नंबर है ना कि आपको अच्छी क्वालिटी भी दे देते हैं फुल एचडी में, और यूट्यूब के स्टैंडर्ड भी दे देते हैं, और आपकी साइज भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो टारगेट बिट रेट हमारे पास है 4.2, मैक्सिमम बिट रेट ये भी 4.2 ही कर दो। ठीक है, साइज कितनी हो गई, 13 MB एच डी वीडियो, फुल एच डी 13 MB हो गई। ठीक है, इसको अगर हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर प्रीसेट कस्टम में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन इट्स ओके, ये वही यूट्यूब वाला की प्रीसेट है, हमने सिर्फ ये चीज चेंज किया। तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ये आपके सामने एक्सपोर्ट हो रही है। यहाँ पर आपकी ग्राफिक्स कार्ड का पता चलता है, अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है तो ये ऐसे ही रेंडर कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल चल सकती है, यूट्यूब ने आपको जो प्रीसेट्स दिए हैं, आप यूट्यूब का प्रीसेट सेलेक्ट ना भी करो तो भी आप एच डी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें ये जो नीचे मैंने स्लाइडर चेंज किया है ना, फिर इसमें देखना होता है, ये साइज कंट्रोल करना होता है। ठीक है, मैं वैसे ये आप पहले स्टूडेंट्स है कि जिनको मैंने ये नीचे वाला सिस्टम बता दिया कि यहाँ से आप साइज कंट्रोल करो, मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन चूंकि आपको आपने उस दिन कहा था ना कि साइज का इशू, तो मैंने इसलिए फिर मुनासिब समझा के वो कर लूँ। हालांकि ये मैं चेंज नहीं करता, मैं फुल क्वालिटी में ही करता हूँ। अब देखते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर है फाइनल, ये हमारे पास मोन्टाज है, और हम इसमें थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कैसी क्वालिटी है। तो ये देखो बेहतरीन क्वालिटी है, और बड़ा गंदा टीवी है। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में बहुत प्यारा लिखा है, मेरे ख्याल से बेहतरीन क्वालिटी है, और साइज सिर्फ 13 MB है। हालांकि जब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा था तो ये हमें 48 MB कर रहा था, तो कितना डिफरेंस है, अगर एक घंटे की वीडियो हो तो वो कितना डिफरेंस देगा। जैसे आपका जो ट्यूटोरियल है जो मैंने आज अपलोड किया था, लिंक दिया था, ये जब मैंने एडिट किया ना तो इसकी साइज बन रही थी 6 GB, मैंने यूट्यूब प्रीसेट में कन्वर्ट कर दी तो ये बन गया था 1.3 GB। ठीक है, फिर मैंने ये 4.2 कर दिया तो ये मेरे ख्याल से 400-500 MB बन गया। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं जो मैंने गूगल क्लासरूम में। ठीक है, इस तरह आपने एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक और छोटा सा सॉफ्टवेयर है, जब आप प्रीमियर से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते चीज को, ठीक है, मतलब आपको क्लाइंट कहता है कि जी आपने आधे घंटे की वीडियो बनाई है, और क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मुझे तो व्हाट्सएप पे चाहिए प्रीव्यू के लिए, तो कितना कंप्रेस करोगे आप, 4.2 की जगह 0.1 भी कर दो ना, तो उतना कंप्रेस नहीं हो पाता। बाजों का भी होता है, हमारे साथ होता है कि आप उसको व्हाट्सएप पे भेज दो। तो फिर आपके पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है मेरे पास इंस्टॉल है हैंडब्रेक। ठीक है, ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड कर लो, मेरे ख्याल से 40-50 MB है। इसको ओपन किया करें, ठीक है, ये मैंने ओपन किया, मैं आता हूँ फाइल में, और मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे, और मैं यहाँ पर आता हूँ फाइनल में, वहाँ से आप फुल एचडी ही कन्वर्ट किया करें, इसको ओपन करें। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर भी सेम आपने आना है वीडियो में, और ये नंबर जो है ना ये आप 25 तक ला सकते हैं। ये अगर पीछे करेंगे तो इसकी क्वालिटी डाउन होती है, अगर ये आप आगे करेंगे तो इसकी क्वालिटी अप होती है। तो जो व्हाट्सएप के लिए है ना जो मुनासिब रेट है वो 25 है। ठीक है, ये 25 पे रखा करें और स्टार्ट इनकोड किया करें, तो ये भी ऑलमोस्ट 1 GB का फाइल 100 MB तक ले आता है, और क्वालिटी भी मतलब अच्छी होती है, मतलब मोबाइल पे देखने की वाली। ऑफकोर्स 1 GB का फाइल अगर आप 100 MB पे लेकर आएंगे तो पिक्सलेट होगी वीडियो आपकी, वो वैसे तो नहीं रहती, लेकिन कम से कम अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे भेजना चाहें तो उनको प्रॉपर व्हाट्सएप पे सही क्वालिटी दिखाई दे रही। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हैं, इतना काफ़ी है, क्योंकि आज हमने म्यूज़िक भी लगा दिया, ट्रांजिशंस भी लगा दिए, उनको कन्वर्ट करना भी और एक्सपोर्ट करना भी सीख लिया। ठीक है,